बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तिखियूं गालू सगद माया शौकत ज़रदारी। नाज़रीन, तमाम घणे अफ़सोस जी गाल आहे जो अवाम जी कमायल दौलत अवाम जे कंहिं बि कम जी न आहे रही। असां ॻाल्हि कयूं पिया स्टेट बैंक पारां जेका एनुअल रिपोर्ट जारी कई वई साल 2011 जी, उनमें हिकु वॾो इंकशाफ़ थियो आहे त हुकूमत पारां जेको पैसो टैक्स में उगाड़ियो वञे थो ऐं हीउ उहो टैक्स जो पैसो आहे जेके माण्हू पंहिंजी इनकम जी मद में ॾींदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ सर्विसिस जी मद में ॾींदा आहिनि, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सिस मां माण्हू महिनत करे जेको पैसो कमाए हुकूमत खे ॾियनि था, उन पैसे जो इस्तेमालु सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ु 10% आवाम जे लाइ थींदो हुजे त थींदो हुजे, पर उनजो 90% जेको आहे उहो कर्ज़नि जी मद में डेट सर्विसिंग में वापसि वञी रहियो आहे। उनखां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, कर्ज़नि जी मद में सरकार 14.75 अरब रुपया जेके आहिनि से अदा कया आहिनि, ऐं उनजे हिसाब सां जेकॾहिं असां ॾिसूं त 2011 दौरान सिर्फ़ु कर्ज़नि जी व्याज जी जेका शरह आहे उहा 37% वधी वई आहे। उनखां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हुकूमत हाणे परॾेही कर्ज़नि जी मद में मजमूई तौरु, हीअ नाज़रीन प्रिंसिपल अमाउंट जी आउं ॻाल्हि कयां पियो, त मजमूई तौरु इहा रक़म 669 अरब रुपियनि ताईं पहुची चुकी आहे। उन सां गॾोगॾु इन्हनि जी मद में जेको व्याज चार्ज थी रहियो आहे सरकार खे, उनजो अमाउंट बि 740 अरब रुपया थी चुको आहे, ऐं सिर्फ़ु गुज़िरियल साल जारी कर्ज़नि ते जेको व्याज आहे उहो 17 अरब रुपियनि खां वधी करे 66 अरब रुपया थी वियो आहे। उनखां अलावा माली खसारो 4% रहियो आहे, ऐं जेकर असां ॾिसूं त गुज़िरियल टिनि सालनि ताईं सरकार स्टेट बैंक खां धड़ाधड़ कर्ज़ु वरिता, ऐं जॾहिं स्टेट बैंक जी जेका लिक्विडिटी चऊं या स्टेट बैंक जॾहिं तमामु घणी क्रिटिसिज़म कई पंहिंजी रिपोर्ट्स में, मॉनिटरी पॉलिसीज़ में, त उनखां पोइ सरकार टर्न वरितो निजी बैंकुनि तरफ़, ऐं हिन वक़्तु निजी बैंकुनि जूं तिजोरियूं बि आलमोस्ट ख़ाली थी चुको आहिनि। इहो सॼो पैसो असांजी जेका सरकार आहे जंहिं बद इंतिज़ामी जा रिकॉर्ड टोड़े छॾिया आहिनि, इहो सॼो पैसो इहा सरकार गिड़काए रही आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त निजी बैंकूं वरी इनखे जेको आहे सो हिकु अपॉर्चुनिटी सम्झी स्टेट बैंक खां पैसो खणी सरकार खे घरे व्याज जी शरह ते ॾेई रहिया आहिनि पैसो, ऐं इनजो रिएक्शन इहो पियो थिए त हाणे जेको प्राइवेट सेक्टर आहे, असांजो जेको सनती शोबो आहे, निजी शोबो आहे, इन खे कर्ज़नि जी फरहमी में इलाही घटिताई थी चुकी आहे जंहिंजो को अंदाज़ो न आहे, ऐं जिते बिजली गैस जूं सहूलियतुनि खां असांजी इंडस्ट्री, असांजो आम माण्हू महरूम हुयो, हाणे असांजूं सनतूं इन्हनि कर्ज़नि खां वॾे में वॾी व्याज जी शरह जे करे बि, ऐं मार्केट में बैंकुनि वटि लिक्विडिटी न हुजण जे करे बि तमामु घणियूं परेशान आहिनि। हीअ नाज़रीन हिकिड़ी इंफॉर्मेशन हुई जेका तव्हां साम्हूं शेयर कई, इन हवाले सां ई ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असांखे ॻाल्हाइण जे लाइ स्टूडियो में जॉइन कयो वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि, एनालिस्ट आहिनि, इंजीनियर एम ए जबार मेमण साहबु। जबार साहब, तव्हांखे भलीकार चवंदासीं। हिकु ॻाल्हि नई न आहे, पर अॼु मूंखे तव्हां सनतकारनि जी थोरी घणी फेवर करणी पवंदी। तव्हां छो था ॾियो टैक्स? तव्हां जेका ॻाल्हि कई, मूंखे यादि थो अचे त कंहिं ज़माने में असां फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स जे वफ़्त जो सूरत में फाइनेंस मिनिस्टर सां मिलियासीं। सभ खां पहिरियों सुवाल जेको आहे सो असांजो जेको फेडरेशन जो अॻियां आहे उन वक़्तु सदर, मां इहो पुछियो फाइनेंस मिनिस्टर खां त आख़िर टैक्स असां छो ॾियूं, छा इन करे ॾियूं त लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल ख़राबु आहे, छा इन करे ॾियूं त पर्सनल सर्वेंट्स के एम्प्लॉय करे असां पंहिंजे कमर्शियल एंटरप्राइज़िस ते गार्ड्स पे था रखूं, असां पंहिंजे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स ते जेको आहे सो चौकीदारी लाइ गार्ड्स पे था रखूं, असां पंहिंजे ज़ाती जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त लाइ जेके आहिनि से गार्ड्स पे था रखूं। जॾहिं त टैक्सिस दुनिया में अॼु खां न अवल जे ज़माने खां वठी उन्हनि जो हिकिड़ो हिसो लॉ एंड ऑर्डर ऐं अमन अमान जे बहाली लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो हो। इहा बि ॻाल्हि अॻिते हली त छा इन करे असां टैक्सियूं ॾियूं त असां बिजली पाण खां प्रोड्यूस कयूं, हुकूमत जेका आहे असां बिजली न वठी मुहैया करे, छा टैक्स इन करे ॾियूं त असां टैंकरनि जे ज़रिए जेको आहे सो सनती इस्तेमाल लाइ पाण था वठूं ऐं पीअण लाइ बि जेको आहे सो टैंकर, छा इन करे टैक्स ॾिनो वञे त हेल्थ जेका आहे सा असां ज़ाती पंहिंजे कमाई मां जेका आहे सा ॾेई करे हेल्थ फैसिलिटीज़ वठूं था। जेकॾहिं थोरो अञा अॻिते वञूं त एजुकेशन जो इहो हाल आहे, जेकॾहिं स्टेट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिकिड़ो टैक्सेशन वसूलीअ खां पोइ जेके आहिनि से बिल्कुलु लोएस सर्विस डिलीवरी जे हिसाब सां हुजनि, त मुंहिंजो ख़्याल आहे पाकिस्तान हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे। उते तव्हां जेको सुवाल कयो इहो सुवाल फाइनेंस मिनिस्टर जे साम्हूं कयो वियो हो। सही, पर मूंखे इहो ॿुधायो न त यकीन एतिरे वॾे अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त माण्हू महिनत करे जेको आहे सो पैसो कमाइनि था ऐं उन मां वरी सचा माण्हू जेके आहिनि उहे टैक्स ॾियनि था, त अॼु हीअ फिगर्स पढ़ी मतिलबु मूं जहिड़ो माण्हू चए थो त यार पोइ उहे माण्हू सही आहिनि जेके टैक्स ॾियनि ई कोन था, टैक्स चोर आहिनि, एटलीस्ट उन्हनि जो पैसो ज़ाया त कोन थो थिए न? ॾिसो, हुकूमत पाकिस्तान
या पब्लिक सेक्टर सब का वे में वो सर्विस प्रोवाइडर है। थोड़ी देर शौकत पा में ऐसे आम मानू जो तासुर ट्रांसपोर्ट में सेटिस्फाई आ न हाउसिंग फैसिलिटीज में सेटिस्फाई आ न बिजली के इन सजे दिन की छिक जैमें रात जो टायर बारहरा था वन सुबह जो एजिटेशन थी उन सेटिस्फाइड आ बिल्कुल न पीण जो पानी उन्हें खबर है या थोड़ी देर में जैसे अस वर्ल्ड बैंक एंड बन डेटा के हवा से ऐसू तो टीह सैकड़ों मानून के भी प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ना है। बारों जो पढ़ाई का फ्यूचर महफूज आए तो वो मरेट से नौकरी वा न वो पैसों से वा सिफारिशों से वा जन सभी सर्विस डिलीवरी को ऐसो तो मैं ये चवस तो पूरे सर्विस डिलीवरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे पूरे सर्विस डिलीवरी इन अगेंस्ट में आ जैसे अगेंस्ट में टैक्सिस जैसे वरता था वन तो शायद थोड़ी देर लाइ मुझे पे ख्याल में मुझे सीरियस तो न थे खे काफ़ी मूँ जो से शायद टैक्सिस इन करा दियन तो इन पूअर सर्विस डिलीवरी में जैसे हुकूमत का जवाबदारी न वेठी खड़ी तो उन्होंने आखिर इन टैक्सिस दियण फायदो न पर तुम शोबो आो हाइस्ट टैक्स पेयर आगे सनतकार ही दियन था ना जो बेचारा वाइट कॉलर शरीफ मून सनतुन में उ टैक्स अदा कन था बट यू हैव दिस राइट टू आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट के भाई तुम पाया एक मुल्क बुधा ना एक मुल्क कि तरक्की कह जो 90% टैक्स आमदन जो है वह डेट सर्विसिंग में हली वे तो मतलब पैसों वे कि जबा तुम कुछ शेयर कह तुम भी मिलंदा रहा वन वन वजीर पुछो आ चवन चाहता था इन पैसों का पाया क्यों कड़ा जो सीक्रेट पैलेसिस ठही रहा इन कौम के लिए जैसे एडा कर्ज भी खाया पा वन वरी इन डेट सर्विसिंग में 90% टैक्स अमाउंट पे वे ऐसो एक ग्रोथ पैराडाइम के हवा से जो गाली पे तुम सवाल जो सनतकार के हवा से तो पाकिस्तान के कौमी मजबूत पैदावार में 17-18% ऑफ द जी डी पी के विच में सनत जो एक हिस्सो है पर टोटल टैक्सिस में सनत जो है 62.4% टैक्सिस अदा पे थी करें माना पैं इस्तेदाद या प्रपोर्शन का 3 भेरा पे थी टैक्सिस अदा करें हाँ तुम बे सवाल दा अचू तो ये सब सूरत हाल में जब यानी 14 खरब तका अंगब था अरब रुपया जैसे सिर्फ डेट सर्विस लाइबिलिटीज के सेटलमेंट जो तुम एक्सप्लेन भी कर तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करो सर्विसिंग करनी है एग्जैक्टली यानी अद का मथे जो है सो तुम इंट्रस्ट पैसा सर्व कर यानी थोड़ी देर में ये चुं तो यहाँ फिस्कल मिसमैनेजमेंट है जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट ये चाहिए जैसे तुम याद हों तो माई शमशादा जो जैसे असि स्टेट बैंक की गवर्नर होंगी हुई शमशाद अख्तर तो माई शमशादा जो है मुझे ख्याल है सवले सिंधी में शमशाद अख्तर के शमशादा ही चवंदा आयो जो असोजे ट्रेडिशनल माल वन रवाज है उन 777 अरब रुपये जी ओवरड्राफ्ट क्रिएट कर हुकूमत पाकिस्तान के दिनों तो कें तरीके से इलेक्शन ईयर ठहे जनरल परवेज मुशरफ खटे वो न थी सको अज तुम जो अंग ऐसो तो हम तीन जो 2011 में 600-690 बिलियन रुपये की गाड़ी पे थन थोड़ी देर में जैसे मैं अगत वा तो लेटेस्ट रिपोर्टिंग यह थी तो 700 अरब का टोटल क्यूमुलेटिव जो क्रॉसिंग पे थी माना असो थोड़ी देर पहले फिस्कल डेफिसिट की गाल कई IMF जो सब जोर यो हो तो 3-4% जी डी पी रखो उनके 6.4 असं हलिया वह 6.4 तद वासी जैसे खैरातू पिनी पिनी कर अस कें न कें तरीके से हर हवाले से पे बजट्स के या बन रिक्वायरमेंट्स के पूरा कर न तो हकीकत में यो 8-9% के विच में हुआ हाँ मैं तक पैराडाइम बुझा तो आखिर डेवलपमेंट कि थे इन मुल्क में जैसे 1600 अरब रुपया बल्कि 1500-20 अरब रुपया जैसे पे साल कलेक्ट थे अज तुम जो फिगर था बुझाओ उ फिगर तकरीबन एतरी है जो उनके क्लोज पे थी करे विच में बाकी रही छो कि सजे मेगा पॉवर्टी जो मुल्क में है हाँ उन मेगा पॉवर्टी के क्यों एड्रेस कजे पर हाँ सवाल तो पैदा थे तो आखिर मानू वोट छो दीन हुकूमतू छो दीन थोड़ी देर में अंग्रेजी के जैसे असं ट्रांसलेट क्यों सिंधी में तो मानू इन कर वोट दींदा तो उ मानू जो वा असेंबली में वेंदा वो पॉलिसी साजी अड़ी कंदा जिनसा उन मानू की एक वेलफेयर
स्टेट वो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में न अची सके तो घट में घट उन प्राइमरी मुतालबात तो घट में घट महंगाई हो स्कूल में बार वही सन न्यूट्रिशनल लेवल टिन वक्त की मानी खाई सन उन्होंने बार फ्यूचर सिक्योर हो हेल्थ एंड हाइजीन जन दस्तियाब हो लॉ एंड ऑर्डर ये न हो गाड़ी में चढ़ी कर फोरे से कराची शहर में अड़ी जो वारदातू थन थी बाकी हाईवेज से रॉबरी उ शेषा सूर्य के अची तो ठीक करनी पवी जैसे इन सभी सूरत में तसो तो वही गवर्नमेंट जो शायद पे मजबूरी या दिखारी तो अस फिस्कल स्पेस ही को अस स्पेस ही को सर्विस करो पर जो एडी सारी सेनेट एडी सारी कौमी असेंबली एडी सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स ये आखिर से मुल्क में हूँ ये इन कर डिफिकल्ट सिचुएशन के कन्वर्ट करी कंफर्ट सिचुएशन में हाँ थोड़ी देर में थाईलैंड मिसाल दींदस थाईलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन पाबंदी तो हे तो 12% ऑफ द टोटल बजट एक्सपेंडिचर तारे ना कर सको हाँ थोड़ी देर में इन फिगर अगत खी अचूँ तो 37-40% ऑफ द कौमी मजदूर पैदावार कर्ज खाया हाँ तुम अंदाजो लगाओ तो जै मुल्क में जो सो 80 बिलियन डॉलर्स 212 अरबन पे आखिरी फिगर्स पे अचन पाकिस्तान की जीडीपी उन्होंने अगर तुम 37% का वी 40% सोई तो कर अगत हूँ इन टे हफ्त में रुपये और 1.5 रुपये जो डॉलर की प्राइस पैरिटी में फर्क आया तो इकोनॉमिस्ट जो चवन इकोनॉमिस्ट मुझे ख्याल अगर 10 दर्जे के क्लास में जो अर्थमेटिक्स सुठी आ तो यो चवे तो जो 80 अरब रुपये कर्ज में जुकड़ है जमा 60 अरब डॉलर जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है तो तक 60 अरब रुपया जो से फ्यूल ऑफ इन्फ्लेशन तपोर्ट्स महंगी पे थी थे अदायगी महंगी पे थी थे बिल्कुल हाँ थोड़ी देर में ये चूं मैं ये चवे तो यहाँ कहीं नयाली या इनफिशंसी या जी उन रिफॉर्म्स जो हिस्सों न वी सके जिनके लिए हुकूमतू ठाई हूँ मुझे ख्याल जैसे अस एनलाइज क्यों तो किथे किथे खराबी तो नजर अचे वेठी फिगर किथे ना किथे वो डिप्लोमेटिक रिमार्क दिनों तो आऊँ तो जरूर टोकींदुस न 100% खराबी आता चो आऊँ चवान तो नाइली है बद इंतजामी है बट एज अ बिजनेसमैन बोलो सवाल जो क्रिटिकल है तो छे बंद कर फायद तो कुछ थियण कोई टैक्स दिया 90% कर्जन में तो हल वे कर्जन जो पैसों आवाम के किथे लगन नजर को अचे सनतू बंद कर शौकत जी मेरा इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स खास जो सो अवेलेबल क्रेडिट्स खास इंटरेस्ट सनत में इंदियन जैसे ग्रीन इन्वेस्टमेंट चाहिए प्रडिक्टेबल है साइडली वैल्यूज हूँ तो चंद पाल कर्जन का आजो थे अड़े जोन में हूँ जिते उन्होंने प्रॉफिट बी सनत के जन्म दी पाकिस्तान में तुम जै तरीके से वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट्स में आए इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे काइबोर जो सो बिन साल में केतो प्रेशर तरह रो हुकूमत कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पॉलिसी की टाइपिंग कमी रही है पैसा जो अवेलेबल है हुकूमत कमर्शियल बैंक्स का बारो पे थी करे वरी जो खटजन था तो IMF के जो सो धोखो दियण लाए वरी छा तो कर लिक्विडिटी इंजेक्ट थी कर स्टेट बैंक ट्रेजरी बिल्स तक कम कर वरी हुकूमत जो मापत थी कर किथे तरक्की थी जैसे हुकूमत सिर्फ कर्जा इन कर पे थी खे तो 350 अरब रुपया जो पावर से सब्सिडी दे सब्सिडी दे इनफिशंसी की सब्सिडी दे करप्शन की सब्सिडी दे मिसमैनेजमेंट की सब्सिडी दे नॉन प्रोफेशनलिज्म की सब्सिडी दे तो शौकत इन वक्त आखिरी खबर जो अस पढ़ू वेठा वह यह है तो नेपाल के चे पे तो वे तो 100% लॉसिस जो से कन्वर्ट कर टैरिफ्स में हाँ अंदाजो लगा शौकत मानी जो से 30-35% लॉसिस जो उनके लिए उन पेमेंट छो कर शेयर किया फिगर के कर ही सरकार की मेहरबानी के कर फिगर्स तेयर पे क्यों इन फिगर्स की मेहरबानी के कर वक्त जो मार्केट में प्रेशर है प्राइसिस अप वन टू महंगाई जी रही है वह अब सरकार की नाइली बदइंतजामी के कर रहा है स्टेट्यून की वॉचिंग आशो